गुड मॉर्निंग एवरीवन, विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 जुलाई 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। इस पहल के अंतर्गत वेस्ट से एनर्जी क्रिएट की जाएगी तथा उत्तराखंड ने इस पहल की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हल्दी के उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए तथा जो लोग हल्दी का उत्पादन करते हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्था तमिलनाडु में की जाएगी। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र किस राज्य सरकार ने स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा फ्रेश के नाम से इसकी स्थापना की है तथा यहाँ बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं तथा वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में नाडा ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 295 करोड़, 495, 695, 795 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 795 करोड़ रुपए। तो यह बात आई है नाडा की। नाडा यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तथा इसकी स्थापना 1982 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर मुंबई है तथा नाडा का प्रेजेंट चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भारत तथा भूटान के बीच वेस्ट बंगाल के थ्रू एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। ऑप्शंस दिए गए हैं, झारखंड, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। इस कोरोना संकट में जिन आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना वायरस की वजह से ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है तो उन परिवारों को रिटायरमेंट तक मासिक पेंशन दी जाएगी। तो यह बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफिक बने हैं तथा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने सम्मानित किया है तथा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है तथा वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पी प्रवीण सिद्धार्थ, अजय मोहन, शिखर गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा में पहला ग्रेजुएट तथा पहला लॉयर मधुसूदन दास थे तथा ये स्वतंत्रता सेनानी में भी थे और इन्हीं के नाम पर मधु बाबू पेंशन योजना चल रही है तथा अब इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाल ही में भारत में किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं,
2010, 2012, 2018, 2019। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2018। ये सर्वे 121,337 वर्ग किलोमीटर की एरिया में हुआ था और ये अब तक का सबसे ज्यादा एरिया में हुआ सर्वे है, इसलिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वेरी जर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, लेखक, क्रिकेटर, गायक, पत्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेटर। बेरी जर्मन का हाल ही में निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।